गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस आज हम पढ़ रहे हैं द गिफ्ट ऑफ मै जाये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको लिखा है ओ हेनरी ने द गिफ्ट ऑफ मै जाय इज अ शॉर्ट स्टोरी बाई ओ हेनरी फर्स्ट पब्लिश इन 1905. सबसे पहले जो है ये पब्लिश हुई 1905 में द स्टोरी टेल्स ऑफ अ यंग हजबंडफ एंड हाउ द डील विदलेंज ऑफ बाइंग सीक्रेट क्रिसमस गिफ्ट फॉर ईच अदर विद वेरी लिटिल मनी तो इस कहानी में जो है एक कहानी है किसकी एक यंग हस्बैंड है एक यंग वाइफ है यानी दो नौजवान हैं मतलब तो एक लड़का लड़की हैं जो कि कपल हैं हस्बैंड वाइफ हैं और कैसे वो डील करते हैं कि एक दूसरे को वो गिफ्ट देना चाहते हैं क्रिसमस पे और किस तरीके से उनके आगे परेशानियाँ आती हैं चैलेंज आता है उन चीज़ों को खरीदने में और कैसे उनको वो पूरा करते हैं एज़ अ सेंटिमेंटल स्टोरी विद अ मॉरल लेसन अबाउट गिफ्ट गिविंग इट हैज़ बीन पॉपुलर फॉर एडोप्टेशन इस्पेसली फॉर प्रजेंटेशन एट क्रिसमस टाइम अब ये जो कहानी है इसमें एक मॉरल लेसन है कि कैसे जो गिफ्ट देना जो है वह जरूरी है या नहीं है और गिफ्ट uh, ज़्यादा मैंने रखता है या उसकी वैल्यू इस, इसका लेसन जो है इस कहानी में है और इसीलिए इसको जो है आम तौर पे अडाप्ट किया जाता है खासतौर पे क्रिसमस के टाइम पे प्रेजेंट करने के लिए किसी थिएटर में या मूवीज़ वगैरह में द प्लॉट एंड इट्स ट्विस्ट एंडिंग आर वेल नाउन द एंडिंग इज जनरली कंसीडर्ड एन एग्जांपल ऑफ कॉमिक आयरनी इसका जो एंड है वो बड़ा ट्विस्टेड है यानी हम एक्सपेक्ट uh, कुछ और एंड कर रहे होते हैं लेकिन वो, वो उसका बिल्कुल बरअक्स बिल्कुल उसका उल्टा एंड जो है हमारे सामने आता है बड़ी ट्विस्टेड एंडिंग है इसकी और इसीलिए इसकी एंडिंग को हम कॉमिक आयरनी भी कहते हैं द स्टोरी वॉज एलेजली रिटर्न एट पीट स्टैवर्न ऑन इरविंग पैलेस इन न्यूयॉर्क सिटी ये जो है कहा लिखी गई है पीट पीट का मतलब होता है होटल वहां पे लिखी गई है और न्यूयॉर्क में लिखी गई है तो अब हम इसका आगे पढ़ेंगे प्लॉट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स यानी उसमें लिखी गई है इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है शॉर्ट स्टोरी इसका जॉनर है पब्लिश इन द फोर मिलियन ये एक उसकी बुक है एंथोलॉजी में एंथोलॉजी बेसिकली होता है कि काफी सारे राइटर्स जब मिल के एक बुक लिखते हैं या अपने चैप्टर्स एक ही बुक में इंक्लूड करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं तो उसको एंथोलॉजी कहते हैं ठीक है पब्लिशर है इसके फिलिप्स एंड कंपनी पब्लिशिंग डेट है इसकी दिसंबर टेन नाइनटीन जीरो फाइव अब हम इसका पढ़ते हैं प्लॉट ऑन क्रिसमस ईव डेलांग डिस्कवर्स डैट शी हैज़ ओनली वन पॉइंट एटी सेवन डॉलर टू बाई अ प्रजेंट फॉर हर हजबेंड जिम क्रिसमस ईव यानि अब क्रिसमस का दिन है क्रिसमस आप पत, आपको पता ही है कि क्रिश्चियस जो हैं वो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ डिसम्बर को क्रिश्चियन क्रिसमस के तौर पर जो है, uh, है मनाते हैं और उनका मानना है कि जो क्राइस्ट थे यानी जीसस क्राइस्ट थे उन, उनकी जो पैदाइश है वो इसी टाइम पे इसी दिन पे हुई है तो उस दिन क्या होता है कि ये डिस्कवर करती है डेला यंग डेला यंग लड़की है, जो वाइफ है वो ये डिस्कवर करती है कि मेरे पास पैसे जो हैं वो सिर्फ कितने हैं? डॉलर और इसी में मुझे कोई ना कोई तोहफा जो है वो खरीदना पड़ेगा और अपने हस्बैंड को देना पड़ेगा शी विजिट्स द नियर बाई शॉप अ हेयर ड्रेसर मैडम सोफरिन लॉन्ग हेयर फॉर ट्वेंटी डॉलर्स वो क्या करती है कि आ, एक हेयर ड्रेसर है एक नजदीकी दुकानों के सैलून है जिसका और जिसका सैलून है उसका नाम है मैडम सोफ्रानी और उसके बाद जाती है और अपने जो है लॉन्ग हेयर जो है वो उसको बेच देती है डेला के काफी लंबे बाल होते हैं उसको बेच देती है कितने में बीस डॉलर में ताकि वो प्रजेंट खरीद सके अपने हसबेंड जिम के लिए डेला दिन यूज द मनी टू बाई अ प्लेटिनम पॉकेट वॉच चैन फॉर जिम अब उस पैसे क्या क्या करती है डेला के जिम के लिए अपने हस्बैंड के लिए क्या करती है कि एक घड़ी होती है पॉकेट वॉच पुराने टाइम पे आज से मतलब सौ साल पहले जो है काफी ज्यादा मकबूल और काफी ज्यादा पॉपुलर होती थी तो चैन के साथ लटकी होती थी घड़ी गोल सी और जैसे हम रिस्ट वॉच पहनते हैं वैसी घड़ी होती थी एनालॉग में डिजिटल में नहीं एनालॉग में तो उसको जो है क्या करते थे खास तौर पे जेंटलमैन जो है वो अपने पॉकेट के अंदर रखते थे तो उसी घड़ी का चेन जो है वो लेती है कौन डेला जिम के लिए अपने हस्बैंड के लिए व्हेन जिम कम्स होम फ्रॉम वर्क दैट इवनिंग डेला एडमिट्स टू हिम दैट शी सोल्ड हर हेयर टू बाई हिम द चेन जब जो है जिम जो है घर से घर वापस आता है शाम को तो डेला उसको बता देती है कि मैंने आपके लिए जो है वो चैन खरीदना था घड़ी के लिए तो इसलिए मैंने अपने बाल बेच दिए जिम गिव्स डेला हर प्रजेंट आ सेट ऑफ ऑर्नामेंटल कॉम्स और जिम क्या करता है कि वो कहता है कि ये तो तुमने किया ये अब मेरे प्रजेंट है क्रिसमस का मेरी तरफ से आपको और वो क्या होते हैं ऑर्नामेंटल कॉम्स कॉम्स हो होके कंगे ऑर्नामेंटल हो गया जो ख़ास तौर पे सजाने के लिए रखे होते हैं या ऑर्नामेंट तौर पे हम रखते हैं ना घरों में चीज़ कोई गमला कोई फूल या कोई वॉल पे कोई सीनरी या पेंटिंग रखते हैं तो वो ऑर्नामेंट होती है तो ये कॉम्स भी थे ये वैसे ही थे इनका यूज़ बालों में कंगी करने के लिए कम और दिखाने के लिए ज़्यादा होता हो था तो वो उसको वो कॉम्स प्रेजेंट करता है विच शी विल बी अनएबल टू यूज अनटिल हर हेयर ग्रोज बैक आउट और वो तब तक उन कंगू का इस्तेमाल कॉम्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी जब तक कि उसके बाल बड़े ना हो जाए डेला गिव्स जिम द वॉच चेन एंड ही टेल्स आर डेट ही सोल्ड द वॉच टू बाई द कॉम्स और कितनी मतलब आयरनी वाली बात है कि डेला ने जो है चेन खरीदा जिम के घड़ी के लिए और जिम ने जो है अपनी घड़ी बेची आ, डेला के बालों के लिए कि उसके लिए कंगी खरीद लो और डेला ने अपने बाल बेच दिए किसके लिए जिम की घड़ी की चैन के लिए वाइल द गिफ्ट डेट जिम एंड डेला गेव ईच अदर कैन नॉट बी यूज दे नो हाउ फार दे वेंट टू शो ईच अदर देयर लव एंड हाउ इन वेल्यूएबल देअर लव ट्रूली इज हालांकि वो दोनों अब इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे डेला जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगी कंगों का जब तक कि उसके बाल फिर से बड़े ना हो जाएं और जिम जो है उस चेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक कि वो एक और घड़ी खरीद ना ले क्योंकि उसने घड़ी बेच दी थी कंगे खरीदने के लिए लेकिन इससे जो है उनको एक वैल्यूएबल लेसन मिला और एक दूसरे के लिए जो है एहसास और बढ़ा कि दोनों ने जो है वह कितनी कोशिश की एक दूसरे को प्रेजेंट देने की गिफ्ट देने की यहाँ से पता चलता है कि उनके बीच का जो प्यार है मोहब्बत है वो कितनी ट्रू है कितनी सच्ची है और और कितनी हद तक कितनी शिद्दत की है द स्टोरी एंड्स विद द नरेटर कंपेयरिंग दीज आर्टिफिशियल गिफ्ट ऑफ लव विद दो ऑफ द बिब्कल मैजाई और फिर जो है ये क्या करता है कि ऑथर जो है वो कंपेयर करता है कि ये जो आ, गिफ्ट इन दोनों ने एक दूसरे के लिए दिए ये बिब्लिकल मैजाई से कम नहीं थे और ये जो बिब्लिकल मैजाई है ये बेसिकली माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था जिनको हम प्रॉफिट जीसस भी कहते हैं क्रिश्चियंस उनको सन ऑफ गॉड मानते हैं तो उनका जब बर्थ हुआ था तो तीन बादशाह तीन वाइजमैन यानी अक्लमंद और तीन फॉरनर्स तीन बंदे आए थे जिन्होंने जो है गोल्ड वग़ैरह उसका गिफ्ट जो है वो जीजस को बेबी बेबी जीजस को जो है वो दिया था तो कंपेयर करता है राइटर कि ये लैला और जिम का एक दूसरे को जो गिफ्ट देना है इतना सेक्रीफाइस करने के बाद ये उन गिफ्ट से कम नहीं है जो कि मैजाई ने दिया था बेबी जीसस को तो यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है और इससे हमें यह पता चलता है कि कितनी ही ज़बरदस्त ये शॉर्ट स्टोरी है और एक जो है एक ट्रू लव पे और कैसे हम सेक्रीफाइस करते हैं अपने प्यार मोहब्बत के लिए चीज़ों को तो हमारी पसंदीदा चीज़ों को भी यहाँ से हमें एक वैल्यूपल लेसन मिलता है